ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਮੋਨੇਟਾਈਜ਼ ਉਰਫ ਗੁਰਾੜਾ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੰਟਰੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਹੱਡੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਟਰ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਬਚਿਆ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗੀਆਂ ਤੇ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫੋਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ SMS ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਲੱਗਿਆ, SMS ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ SMS ਨਾ ਕੀਤਾ।
हूँ मैं फोन करन लग्या, मैसेज करन लग्या, ठीक है, SMS करन लग्या, तो हूँ इन्हें स्टार्ट ऑटोमेटिकली हो जाना है। तो जेडे मेरे भरा मेरे तरह गरीब जन गरु के घर ने उन्होंने वास्ते मोटरसाइकिल बहुत कीमती चीज़ है, बहुत। तो मैं आपके भरावान वास्ते एक नवा तोहफा लैके आया। जे तुसी भी आधा इस तरह ही मोटरसाइकिल वगैरह चीज़ा मतलब के मोटरसाइकिल चोरी तो बचाना चाहते जे नुकसान तो ठीक है, तो तुहानू एक छोटा जहा मोबाइल नोकिया का एक रिमोट किट लैनी पवसी, इतना खर्चा नहीं है, ठीक हो गया। तो किस तरह लानी है तो इन वास्ते तुहानू असी सारा तरीकाकार समझावांगे, बल्कि दसांगे विखावांगे करके, ठीक है। तो साड़ी पूरी वीडियो तुसां वाच करनी है, ठीक है। तो जिन्हां दोस्तों नू साड़ी वीडियो पसंद आवे वो साढ़े चैनल नू जरूर सबसक्राइब करे, क्योंकि हर आवन वाली वीडियो नवी तो नवी उनके वास्ते फायदेमंद साबित हो सके। जिस तरह अज तुहाडे भरा मोनोटाइज ने आधा स्कूटर बचाया, तुसी भी नुकसान तो बचो। मैं तुहानू हुण ओ चीज़ विखावांगा जिहड़ी मैं आधे स्कूटर दे विच लवाई हुई, मतलब के फिट कराई हुई, फिट। तुहानू ओ किट चैक करावन लग्या, वो सारा सिस्टम किस तरह लग्या है ते किस तरह लाना है, ठीक हो गया। ते आजो हुण मैं तुहानू ओ सीन समझाना सारा, ते मेरी पठियाली दात्री हूँ मैं तुम्हें टापा खोलते विखावन लग्या भी वो की चीज़ है जिंदी वजह तो मोटरसाइकिल बंद हो गया है। ते ए ए ए ए तेरी खैर ए पिछाऊ जमी ए आ वेख लो आयो रिमोट किट है, तो आए मोबाइल ए आए 150-200 का मोबाइल है, तो ये आए और रिमोट किट है, ठीक हो गया। मैं आपके भरावान वास्ते नवियां तो नवियां वीडियो लैके आवांगा, तुसी मेरे चैनल नू लाइक ते सब्सक्राइब जरूर की जाओ। तो अच्छा दोस्तों, यहाँ पर देखें हमने नोकिया 1100 लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये काम करता है जब हम इस पर कॉल करते हैं तो इसका जो स्पीकर होता है वो काम करता है, तो ये बाइक बंद हो जाती है। जब इस पर SMS भेजते हैं तो इसकी जो वाइब्रेशन होती है वो काम करती है और बाइक चालू हो जाती है, ठीक है। तो ये नोकिया 1100 हमने लगाया है सिर्फ टेस्ट करने के लिए, तो ये अच्छे तरीके से तकरीबन ठीक काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसमें जो टच मोबाइल होता है वो लगाएंगे तो इसकी जो लाइव लोकेशन होती है वो भी आप देख सकते हैं। बाइक आपकी जहाँ पर भी मर्जी हो उसकी आप लाइव लोकेशन देख सकते हैं, उसको कॉल करके बंद कर सकते हैं और SMS करके उसको दोबारा चालू भी कर सकते हैं। अगर ये वाली डिवाइस यानी कि ये वाला सिस्टम आप खुद लगाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा एक वीडियो का, वो वीडियो देखें। उस वीडियो में इसका मुकम्मल डिटेल के साथ तरीकाकार बताया गया है, मुकम्मल किस तरीके आप खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आप खुद बना सकेंगे, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ओके गया, वो वीडियो देखें और ये सिस्टम आप खुद बनाकर लगा सकते हैं। शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।